क्या निमृत कौर आलूवाले और एमसी स्टैन दोनों मिलकर शिव ठाकरे को सुम्बुल टॉकीर खान के खिलाफ भड़का रहे हैं? जी हां, आपको बता दें कि बिग बॉस के घर से अब शिव ठाकरे और सुम्बुल टॉकीर खान से जुड़ी एक लेटेस्ट और बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आ गए हैं, जिसमें अब घर के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिला है जिसमें एमसी स्टैन जिनके साथ मिलकर निमृत कौर आलूवाले कुछ ऐसा कहती हुई नजर आ रही हैं, शिव ठाकरे के कान भरती हुई नजर आ रही हैं, जिसको लेकर अब शिव ठाकरे भी कहीं ना कहीं सुम्बुल टॉकीर खान के खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, वही शिव ठाकरे जो सुम्बुल टॉकीर खान को अपनी बहन मानते हैं, पहले ही दिन से शिव ठाकरे ने सुम्बुल को अपनी बहन माना था। ऐसे में अब आखिर घर के अंदर ऐसा क्या हो गया है, सुम्बुल ने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया है कि अब सुम्बुल टॉकीर खान के खिलाफ एमसी स्टैन और निमृत कौर आलूवाले शिव को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं? क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, कि एक मंडली है जिसमें 4 सदस्य मौजूद हैं, निमृत कौर आलूवालिया, सुम्बुल टॉकीर खान, शिव ठाकरे और एमसी स्टैन। ऐसे में आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर ये चारों बैठे हुए होते हैं। इसी बीच ये तीनों, यानी एमसी स्टैन, शिव ठाकरे और निमृत कौर आलूवालिया कुछ कहते हैं, उसी दौरान अचानक वहां से सुम्बुल उठकर चली जाती है, जिसके बाद वहां पर निमृत कौर आलूवालिया सुम्बुल को आवाज भी लगाती है कि सुम्बुल तुम इस तरह से उठकर नहीं जा सकती, तुम इस तरह बिहेव नहीं कर सकती। लेकिन सुम्बुल है कि निमृत की बात ही नहीं सुनती और वहां से चली जाती हैं, अकेले बैठ जाती हैं। इसी बीच आपको बता दें कि जैसे ही सुम्बुल अकेले बैठती हैं, सुम्बुल के पीठ पीछे निमृत कौर आलूवालिया अब शिव ठाकरे को भड़काती हुई नजर आ रही है, कह रही है कि निमृत का इस तरह का बिहेव ना हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, शिव तुम्हें भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, सुम्बुल टॉकीर खान जिस तरह से हमारे साथ रहती है, अचानक जिस तरह से यहाँ से उठकर चली गई है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये अपने आप को समझती क्या है, हम सोचते हैं कि ये छोटी है जिसकी वजह से हम इसे माफ कर देते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल भी छोटी नहीं है। इसे पता है कि वो क्या कर रही है, अगर वो यहाँ तक पहुंची है, यानी इतने बड़े शो में भी आई है, तो वो कोई छोटी बच्ची नहीं है। जी हाँ, ये बड़ी बात जो है, ये एमसी स्टैन भी कहते हुए नजर आते हुए कहते हैं कि ये इतने बड़े सीरियल करके आई हुई है, इतना सारा पैसा कमा रही है, इतने बड़े शो में आई है, तो हम कैसे इसे छोटी बच्ची कह सकते हैं जिस तरह से यहाँ से उठकर ये गई है। एमसी स्टैन कहते हैं कि वैसे तो मेरा छोटा भाई भी ना जाए, इसमें पूरा दिमाग है कि गेम किस तरह से खेलनी है। यानी आपको बता दें कि कुल मिलाकर बात करें तो अब यहाँ पर शिव ठाकरे के कान भरे जा रहे हैं निमृत कौर आलूवालिया, और साथ में निमृत के साथ साथ एमसी स्टैन भी सुम्बुल की बुराई कर रहे हैं और शिव को कह रहे हैं कि अब हमें सुम्बुल टॉकीर खान का साथ नहीं देना चाहिए, जिस तरह से वो अकेले गेम खेलना चाहती है, हमें भी उसके खिलाफ ही गेम खेलनी चाहिए। ऐसे में आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करें। बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज के लिए हमें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।